Okay, so I think you all are getting my voice now. You all are getting my Yes, voice sir. now. Okay, so I am again sharing now. So देखिए, अब हमारे पास जो जो ये रिजल्ट है, ठीक है, तो रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है? रिजल्ट हमारा स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर से अगेन मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो मूव कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया जो इस एड्रेस पे, ये एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हुआ, ठीक है। इसको जब हमने मूव कॉमा ए किया तो उसको हम फिर से एक्यूमुलेटर से हटा के मेमोरी एड्रेस में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। देन द प्रोग्राम इज रीसेट और टर्मिनेट, क्लियर और क्लोज्ड। अब आप देखिए, यही हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एडिटर विंडो पे टाइप करते हैं या इसको कॉपी करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये आपका जो पॉइंट लिखा हुआ ओरिजिन मीन 7501, यहाँ पे हम लोगों ने इस एड्रेस पे हमारे पास नंबर स्टोर्ड था, ठीक है ना, 7501 पे। एंड अब यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इस 7501 पे मान लीजिए जो हम लोगों ने नंबर लिया था, ये 20s था, मीन्स 20 हेक्साडेसिमल नंबर था जो 7501 पे था। 7502 पे हमारे पास 10 था। अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 7503 एड्रेस लोकेशन पे मिल रहा है। तो 20 में से जब 10 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा। तो ये 10 आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट। तो ये दोनों आपके इनपुट हो गए, दीज टू आर इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट। जब 20 में से 10 माइनस किए तो आउटपुट 10 आ गया, तो उसको हमने थर्ड एड्रेस पे स्टोर करा दिया, ठीक है ना। तो यू कैन सी दिस इज व्हेन यू इंस्टॉल दिस सिमुलेटर एप्लीकेशन, then you will directly come to what the interface, that is हम लोग जब इसे इंस्टॉल करते हैं तो we will directly go to the interface। कौन सा इंटरफेस आएगा, यही जो नीचे विंडो दिख रही है आपको, the window that is on the bottom side, ये देखिए ये विंडो दिख रही है सभी को, this window। तो ये आपकी एडिटर विंडो है, यहाँ देख सकते हैं लिखा भी हुआ देयर इज ए एडिटर, सो देयर इज ओके ओके। सो कौशिकी, कौशिकी इज देयर, कौशिकी सिंह आर यू देयर, यू आर आल्सो कनेक्टेड, यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ये जो बता रहा हूँ मैं? यस सर, आ रहा है। ओके, एंड देन शांभवी सिंह, कौशिकी, देन शांभवी, शांभवी सिंह इज देयर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, सो विंडो पे ही हम सारे, जैसे कि एडिशन वाले में भी आपको हमने वीडियो दिखाई होगी लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस एडिटर पे हमने क्या किया, प्रोग्राम को सीधे कॉपी पेस्ट मार दीजिए, आप कॉपी करिए ये प्रोग्राम, इसको इस पे सीधे पेस्ट मारिए, देन यू विल गॉट स्टार्ट फ्रॉम, ये देखिए नीचे आ रहा, जब आप असेंबल करेंगे यू विल गॉट द असेंबल ऑप्शन, देन असेंबल करने पे क्लिक करेंगे देन यू विल गॉट द एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम, इस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में सीधे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 7000, क्योंकि हमने बताया ना कि हम लोग 7000 लिया है हमने स्टार्टिंग एड्रेस, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7000, 7000 से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग एड्रेस ये डाल देंगे। अब नीचे दो ऑप्शन आ रहा है, रन ऑल एट ए टाइम और रन स्टेप बाय स्टेप, तो रन ऑल एट ए टाइम पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा प्रोग्राम एक बार में रन कर जाएगा, और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहते हैं या मॉनिटर करना चाहते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक कर दीजिए, सीधे इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका स्टेप बाय स्टेप रन होने लगेगा, ठीक है ना, क्लियर। और जब स्टेप बाय स्टेप रन होने लगेगा तो आप इसको यहाँ पे, ये जो आपका सिमुलेटर पेज है इस पे आप चाहे तो रजिस्टर वाले पोर्शन में जब जाएंगे, ये जो रजिस्टर वाला पोर्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सब दिखा देगा, किस किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ डेटा, आपका पहला डेटा कहाँ था, सेकेंड डेटा कहाँ था, और फिर लास्ट में
डेटा किस मेमोरी लोकेशन में कहाँ स्टोर्ड हुआ और कितना रिजल्ट आया, एवरीथिंग यू विल गॉट द ऑन दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन पेज. क्लियर. वी हैव आल्सो द मेमोरी लोकेशन. मेमोरी में आपको जैसे 7501 पे हमने पहला डेटा लिया, 7502 पे सेकंड डेटा लिया, 7503 पे हमें माइनस करके रिजल्ट मिल गया. यू कैन सी ऑन द मेमोरी लोकेशन, यू कैन सी फॉर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस वी आर हैविंग सम डिफरेंट डिफरेंट डेटास. क्लियर. इनटू द मेमोरी लोकेशन. सो यू कैन चेक दैट. और डिवाइसेस मैंने आपको बताया था, डिवाइस को हम तब यूज करते हैं जब इसको हमें किसी दूसरे डिवाइस से इंटरफेस करना हो. जब इंटरफेस करेंगे तो हमको क्या करना है, उस पे हमको सारा रिजल्ट दिखेगा. जो भी हम यहाँ इनपुट पे कोई भी चीज सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द हार्डवेयर आल्सो. क्लियर. चाहे एलईडी लगा के चेक कर रहे हो, ऑन ऑफ कंडीशन या कुछ भी, तो वो सब कुछ दिखेगा आपको. ठीक है. इसके बाद ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा जब इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर. तो नाउ वी हैव अनदर प्रोग्राम इन द बॉटम दैट बिलोंग टू अगेन द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू. बट यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे बोरो भी है. जैसे पहले वाले केस में कोई बोरो कंडीशन नहीं आ रही थी, सिंपल 20 में से 10 माइनस किया, आंसर आ गया. इस सेकेंड वाले केस में देखिए बोरो भी है. जैसे अभी हमने बोरो वाला आपको क्वेश्चन एक सॉल्व करके बताया था, तो यहाँ बोरो का केस है. बोरो में कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ठीक है ना. तो जब बोरो का केस हम कंसिडर करेंगे, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि दो कंडीशन होती है, एक लोअर बाइट आएगा एक अपर बाइट आएगा. क्योंकि बाइट जब भी बोरो का कंडीशन आएगा, जैसे हम जब जैसे माइनस कर रहे थे नंबर, तो अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ वही क्वेश्चन, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. जस्ट वेट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू. ओके, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है. तो व्हाट आई वांट टू से, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये बोरो बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है. वी आर हैविंग सम बोरो. क्लियर. तो जैसे देखिए, एक हमें रिजल्ट मिला 0F1 मिला. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जैसे मान लीजिए ये जो जीरो है, ठीक है, ये F1 है, ये F1 हमारा एक पूरा लोअर बिट हो गया, ये लोअर बाइट हो गया. और इस जीरो के साथ जो एक, अगर मान लीजिए यहाँ हमें जीरो की जगह कुछ नंबर मिल रहा होता, 1 मिल रहा होता, मान लीजिए 1, और इसके पहले इसको हमें 2 बाइट का बनाना पड़ेगा. तो 2 बाइट के लिए हम इसको पहले एक जीरो और लगा दिए, तो 0 1. तो जीरो पहले कितने भी जीरो लगा दीजिए, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो एक तरह से वो सेकेंड बाइट हो गया, ठीक है. दैट इज सपोज 0 1 हो जाता, और यहाँ F1 आ रहा, F1 को एक कंसीडर कर लेते, ये वाले F1 को एक कंसीडर कर लेते, और इधर वाले जीरो के साथ एक कंसीडर कर लेते. तो यू गॉट व्हाट, द लोअर एंड अपर बाइट. तो लोअर बाइट कौन सी कहलाती, ये वाली, ये F1 विल बी द लोअर बाइट. और इस जीरो के साथ जो आप एक जीरो और इंसर्ट कराते बाएं हाथ पे, ये क्या कहलाता, ये आपका अपर बाइट कहलाता, ठीक है. तो यही चीज हमको ध्यान रखना है, दिस वी विल कीप इन द माइंड. कि जैसे अब हम देखिए इसको माइनस कर रहे हैं, दिखाता हूँ. ओके, जैसे प्रोग्रामिंग है, इसमें देखिए पहले क्या किया, गेट फर्स्ट 16 बिट नंबर इनटू द मेमोरी लोकेशन. वही काम कर रहे हैं, पहले हमने पहला वाला 16 बिट नंबर एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर लिया, ठीक. इसके बाद XCHG, इसका मतलब एक्सचेंज होता है. दिस फंक्शन इज यूज फॉर एक्सचेंज. एक्सचेंज HL पेयर विद द DE पेयर. इसका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरा नंबर भी स्टोर कराना है, ठीक है ना. नाउ एक्सचेंज दिस HL पेयर जनरल पर्पज रजिस्टर विद द DE पर्पज रजिस्टर. हमने इसको DE से रिप्लेस करा दिया. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, आवाज आ रही सभी को? ओके, तो देखिए पहला वाला ना दिया डेटा, अब HL पेयर फिर खाली हो गया. थ्री एड्रेस, पहला डेटा हमारा 7501 पे था, ये तो बेस एड्रेस हो गया. 7501 पे पहला डेटा था जो कि हमने HL पेयर रजिस्टर में पड़ा हुआ था, उसको पहले तो हमने DE में डाल दिया. DE इज अनदर मेमोरी लोकेशन. अब HL खाली हो गया, ठीक.
अब एच एल जब खाली हो गया तो हमने दूसरा वाला जो डेटा है 16 बिट का उसको फिर से उस एच एल वाले में डाल दिया। अब हमारे पास डेटा कहाँ कहाँ, एच एल और डी में, ठीक। अब हमने क्या कमांड यूज किया, मूव ए कॉमा ई, ठीक। इससे क्या होगा, गेट लोअर बाइट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, गेट लोअर बाइट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले अब हमने लोअर बाइट्स को फोकस करना शुरू किया, क्योंकि माइनस करेंगे तो लोअर बाइट की तरफ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो लोअर बाइट ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट एल, एल का मतलब लोअर बाइट। अब यहाँ देखिये दो सब्ट्रैक्शन की कमांड यूज हो रही है, एक एस यू बी और एक एस बी बी। एस बी बी जो यूज किया वो हायर के लिए यूज किया, एस यू बी यूज किया एल के लिए यूज किया, लोअर के लिए। तो जो मैंने आपको बताया था ना, माइनस करेंगे तो एक लोअर होगा, जो लोअर जो राइट साइड वाला नंबर है दो डिजिट का, और जो लेफ्ट वाला नंबर है वो दो डिजिट जो आपका हायर हो गया, ठीक। सब्ट्रैक्ट लोअर मींस सब्ट्रैक्ट लोअर बाइट ऑफ सेकंड नंबर, कहां से कर रहे हैं, फर्स्ट बाइट से, ठीक। तो ये आपको रिजल्ट देगा, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर एल। एक रजिस्टर एल ले लिया तो आपका रिजल्ट यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, गेट हायर बाइट ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब हमने गेट हायर बाइट मीन पहले नंबर का हायर बाइट लिया, ठीक, लोअर का तो काम खत्म हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट हायर बाइट ऑफ द सेकेंड नंबर विथ बोरो, बोरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बोरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बोरो के साथ हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, देन मूव फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू एच, उसको एक्यूमुलेटर से एच की तरफ मूव करा दिया, ठीक है। एच इज द अनदर लोकेशन ऑफ मेमोरी, क्लियर। यहाँ जो एच एल पेयर आपको दिख रहा है, एच इज द हायर एंड एल इज द लोअर, इसीलिए उसको एच एल पेयर बोलते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर, एक तरह से एच और एल जो है यहाँ पे, एच इज फॉर हायर बाइट्स एंड एल इज फॉर लोअर बाइट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मूव फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू एच एंड देन स्टोर 16 बिट रिजल्ट एट द 750H एंड 7506L H। तो ये दो एड्रेस है जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर कराया है। Then we have got the termination of the program. So this you can see, this is the platform where we can again we have taken the address 7000 as the initial address, and this is the simulator page, this is the editorial page, ये वाला। इसमें भी पूरा प्रोसीजर सेम है, चाहे स्टेप बाय स्टेप रन कराइए चाहे ऑल एट ए टाइम कराइए, रिजल्ट आपको शो कर देगा। ये बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हेलो, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रोग्रामिंग फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। देखिए इसमें सिमुलेशन कोड है, फिर रिजल्ट आप वही लिख देंगे रिजल्ट में कि जब वेरीफाई हो जाएगा तो लिख देंगे द रिजल्ट इज वेरीफाइड फॉर द 8 बिट सब्ट्रैक्शन एंड 16 बिट सब्ट्रैक्शन, क्लियर। इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, देन पोस्ट टेस्ट में कुछ करना नहीं है, ये पोस्ट टेस्ट वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। Then we come to the references. References भी आपको directly जहाँ से लिया गया references आपको मिलेंगे, ठीक है? Is it clear? अब इसमें देखिए आपको हाँ एक बात मुझे और बतानी थी। You all need to prepare a lab manual. After three experiments, when the three experiments will be done, means after this this one, इसके बाद एक और experiment होगा BCD addition का, then your three experiment will be covered, and in the fourth one, jab three ke baad chautha wala turn aayega, then we will do the checking of your manual, clear. So aapko ek manual banani hogi and you will write the details, jaise aap log lab ki manuals mein likhte the detail, wo detail aapko yahan se mil jayegi, jo hum log ye jo main aapko share kiya hu, इसी से। देखिए एम दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देन थियरी दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रोसीजर में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, द सिमुलेशन कोड आपको पूरा ही मिल जा रहा है, ठीक है, एंड देन डिफरेंसेस। तो इससे आपको ये कंटेंट आपको मैनुअल में लिखना होगा, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट 3, क्लियर।
उसके बाद आपका देयर विल बी आई विल चेक दैट पर्टिकुलर मैनुअल एंड यू कन्वर्ट इट इनटू द पीडीएफ फॉर्म, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट वन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट थ्री, देन यू विल सेंड टू मी ऑन द गूगल क्लासरूम, आई विल जस्ट इवेलुएट इट एंड अकॉर्डिंगली द वाइवा विल बी टेकन आउट. क्लियर? All of you are getting my voice, what I am saying. Hello. All of you are getting what I am saying. Yes, sir. Okay, so manual ban jayegi and then Viva will be there. Clear? So we will evaluate around 70% weightage to the content you which you will write and 30% to the Viva as well. So so आपको जैसे मैं जिसका नाम लूंगा during the session, तो and जिससे जो question पूछूंगा then they will respond accordingly. Clear? And the evaluation will be done. So आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. सो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है ना. एंड कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा जो हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना. इज इट क्लियर? एनीथिंग एल्स डाउट सो यू कैन आस्क टू मी. किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज. और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर समवन मिसेस देयर चांसेस, इफ जेन्युइन रीजन जेन्युइन इशू इज देयर रिगार्डिंग लाइक इफ समवन सेज दैट सर एट दिस पर्टिकुलर टाइम आई हैव सम इशू, जेन्युइन इशू विद द नेटवर्क. क्लियर? सो विदाउट जेन्युइन रीजन आई विल नॉट कंसीडर इफ समवन हैव जेन्युइन इशू एंड इफ. क्लियर? ओके सर. हां, तो इस तरह से करना एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट. क्लियर? तो आफ्टर थ्री एक्सपेरिमेंट व्हेन इट इज इट विल बी कवर्ड देन यू विल राइट इट इनटू द मैनुअल. अभी से लिखना शुरू करिए धीरे धीरे. वी विल फाइंड, आपको इसको मैनुअल में प्रिपेयर करना है. जैसे ही तीन कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल स्टार्ट द वाइवा सेशन. क्लियर? वन बाय वन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वन टू थ्री ऐसे करके, ठीक है. इसको आप लोग फटाफट कर लीजिए काम, ठीक है ना. बाकी जो इससे रेलिवेंट जैसे सॉफ्टवेयर का जो भी इसका डिमोन्स्ट्रेशन है, आई विल ट्राई टू सेंड यू द डिमोन्स्ट्रेशन आल्सो. क्लियर? वी आर ट्राइंग टू डू द डिमोन्स्ट्रेशन आल्सो. डिमोन्स्ट्रेशन होगा तो हम वीडियो भी आपको शेयर कर देंगे. सो यू कैन एक्सेस द वीडियो एंड फाइंड द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टली हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम एंड गेटिंग द रिजल्ट्स. क्लियर? Whatever suitability we find, we will share you. Clear? Okay, so thank you very much. Thank you very much to all of you.